हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए आरबीएसई बोर्ड क्लास 11th हिंदी अनिवार्य का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो आपका पेपर कल होने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना किसी देर किए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। इसमें आपका समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक आपका होगा 70 नंबर का। दोस्तों, नोट यहाँ पर दिया हुआ, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं खंड का दिया हुआ, खंड का में पहला क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है। इसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों, गद्यांश को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य किसे बताया गया है। दूसरा दिया क्वेश्चन, मनुष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्ति कौन प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवीय शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय लिखो। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों, आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि दोस्तों जब आप पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, हिंसा के विस्मय प्रभा से कवि का क्या आशय। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चे किन कुरीतियों को मिटाने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। तीसरा दिया क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। फिर इसके बाद देख सकते हैं खंड खा में दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन, अविकारी शब्द से क्या समझते हैं। निम्न तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, घी और साबन। पांचवा दिया क्वेश्चन, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे पास आओ, उपयुक्त वाक्य रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके पुनः लिखिए, मैंने पूछा और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ 7वां नंबर, निम्नांकित का पल्लवन कीजिए, करत कृत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजाना। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर सार गर्भ निबंध लिखिए 300 शब्द में। पहला टॉपिक दिया हुआ, इसमें राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी। दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, पर्यावरण की शत्रु पॉलीथीन की थैलियाँ। तीसरा दिया हुआ है टॉपिक, यदि मैं अपने गाँव का सरपंच होता। चौथा दिया हुआ है, इसमें वर्तमान में भारत के विकास में विज्ञान की भूमिका। खंड गा में दिया हुआ प्रज्ञा प्रवाह, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए 80 शब्द। तो ये दोस्तों दोनों में दो गद्यांश दिए हुए, दो में से आपको एक गद्यांश का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये दोस्तों पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पहले अच्छे से रीड कर लेना है, फिर इसके बाद आपको इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया हुआ है, किन बातों को ध्यान में रखकर आप नए मित्र बनाएंगे, आपके मित्र के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। अथवा में दिया हुआ है, डॉक्टर कलाम एक कुशल तकनीकी प्रबंधक थे, अग्नि को उड़ान आत्मकथा के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में ज्ञानदायक विधि विधायक गुणगायक तथा लोकनायक के रूप में किन किन महापुरुषों का वर्णन हुआ है लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, कवित्री मीरा की पठित पदों के आधार पर काव्यगत विशेषताएँ लिखिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 से भी दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दिया क्वेश्चन, जो हमारी बात को सबसे ऊपर रखते हैं उनका साथ हमारे लिए ज़्यादा बुरा है कैसे। दूसरा दिया क्वेश्चन, सीता जी को थका हुआ जानकर श्री राम ने क्या उपक्रम किया। तीसरा दिया क्वेश्चन, श्रीनगर में कितने प्रकार की नावें होती हैं, उनके नाम लिखिए। चौथा दिया क्वेश्चन, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, ये शब्द किसने किससे तथा क्यों कहे। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय दीजिए, तुलसी या फिर APJ अब्दुल कलाम। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला दिया हुआ है पॉइंट क्वेश्चन, कबीर ने गुरु को दाता क्यों कहा है। दूसरा दिया क्वेश्चन, यदि पक्षी के रूप में पुनर्जन्म मिले तो कबीर स्कान की क्या अभिलाषा है। खंड घा दिया हुआ, इसमें 16वां नंबर क्वेश्चन,
जैनेन्द्र की खेल कहानी बाल मनोविज्ञान का निर्देशन कराती है, सिद्ध कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, घर की छोटी छोटी बातें सदस्यों की अहम के कारण उनका विघटन का कारण बन सकती हैं। बड़े घर की बेटी कहानी के आधार पर इस कथन की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 17वां दिया क्वेश्चन, निम्नांकित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दिया क्वेश्चन, आनंदी अन्य स्त्रियों की तरह अपने पति के किस विचार से सहमत नहीं थी। दूसरा दिया क्वेश्चन, रामेश्वरी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तीसरा दिया क्वेश्चन, रोटियों के बीच रखे कागज के पुर्जे पर क्या लिखा था। चौथा क्वेश्चन दिया, विधाता ने किस पुतले का निर्माण किया, उसकी क्या विशेषताएं थीं। फिर इसके बाद देख सकते हैं खंड डा दिया हुआ, निम्नांकित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आएगा। तो पहला दिया हुआ है ये दोस्तों, देख सकते हैं दिया हुआ है इसमें 18वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से पत्राचार पर क्या प्रभाव पड़ा बताइए। कठपुतली जन संचार का अच्छा माध्यम है कैसे, सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन, आप व्यापार निवासी अनिरुद्ध हैं, कोटा में चिकित्सा विज्ञान की कोचिंग कर रही अपनी अनुजा ज्योति को पत्र लिखिए कि वह अध्ययन के साथ स्वास्थ्य एवं पोषण पर भी ध्यान दें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।